प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार अब दौसा प्रभारी संजय सिंह नरूपा के दौसा के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के दौरे होंगे। मार्च महीने के अंतिम सप्ताह के अंदर सभी जगह के दौरे किए जाएंगे। वहां के सभी कार्यकर्ताओं से मीटिंग करेंगे और मीटिंग में फीडबैक लेंगे। आगामी चुनाव के अंदर दौसा जिला के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कमल का फूल खिलाने का संकल्प लेंगे, साथ में सभी पदाधिकारियों को उपस्थित रखेंगे। करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी का सोमवार देर रात हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। जयपुर स्थित SMS हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने रात करीब 2 बजे इसकी पुष्टि की। उनका अंतिम संस्कार नागौर में उनके पैतृक गांव कालवी में दोपहर करीब 2:30 बजे किया गया। 80 वर्षीय लोकेंद्र कालवी के निधन से राजपूत समाज में शोक की लहर है। कोटा के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। कोचिंग छात्रा ने हॉस्टल में सुसाइड किया। छात्र बिहार के पश्चिम चंपारण की रहने वाली थी और कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। CM अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा है कि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी एक विकल्प बनेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि 2 अमेरिकी बैंकों सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के पतन के बाद भी अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित है। उन्होंने कहा, देश भर के छोटे व्यवसाय जिनके सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक में खाते थे, वह ये जानकर चैन की सांस ले सकते हैं कि वह अपने कर्मचारियों को भुगतान करने में सक्षम होंगे। इसमें करदाताओं का एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। इसका भुगतान बैंकों के डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड से होगा। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।